नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। वही इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट पर सुनवाई एक बार फिर से चल गई है। वहीं लालू यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आरोपी बनाने की अनुमति दिए जाने के बाद झारखंड की राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। ऐसे में झारखंड की विपक्षी पार्टी भाजपा गृह मंत्रालय के इस फैसले को सही बता रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इसे लालू यादव के खिलाफ साजिश बताया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में मुकदमा चलेगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी अनुमति दे दी है। इस मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन घोटाले के वक्त केंद्रीय रेल मंत्री होने के कारण मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी थी। देखिए, जमीन जो उन्होंने लिया नौकरी देने के बदले, मैं समझता हूँ कि लालू मॉडल था नौकरी देने का, और बेरोजगारों की जो बात ये करते हैं कि बेरोजगार नौकरियों को हम नौकरी देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे जानना चाहती है कि क्या यही मॉडल होगा कि नौकरी दो या तो पैसे दो या जमीन हमारे नाम कर दो। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचारी हैं उनका चरित्र नहीं बदलने जा रहा, और भले ही वो नाम कुछ भी रख लें, I.M.D कुछ भी कर लें, लेकिन लोग समझ रहे हैं इनका मूल चरित्र क्या है, करप्शन कर रहा है, परिवार को किस तरह से समृद्ध किया जाए, अनाप शनाप ढंग से पैसे कमाकर पूरे परिवार को उन्होंने लपेट रखा है। तो अब चूंकि सीबीआई जांच का आदेश हो गया है, फिर से सीबीआई उन चीजों को सुनेगी, तो निश्चित रूप से अब आने वाले दिन उनके लिए परेशानी भरे हो सकती है। गृह मंत्रालय द्वारा लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले मामले में एक बार फिर से मुकदमा चलाने की अनुमति देने के बाद झारखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीनें लिखवा ली थी। सीबीआई का दावा है कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई है और जमीन की मामूली कीमत नगद में चुकाई गई। उधर रेलवे में जिन पदों पर भर्ती हुई उनका ना तो विज्ञापन निकाला गया और ना ही सेंट्रल रेलवे की सूचना दी गई, और आवेदन देने के 3 दिन के बाद ही अंदर नौकरी दे दी गई। फिलहाल इस मामले में मुकदमा चलेगा। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। हर उस व्यक्ति के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहा हो, सड़क पे हो, स्वाभाविक तौर पे उसके दरवाजे तक सीबीआई ईडी जाएगी, और ये लगातार हो रहा है। उस राज्यों में, जिन राज्यों में गैर भाजपा शासित दल शासन कर रहे हैं, लेकिन जिस राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ही जिनके ऊपर आरोप लगाया करती थी, बुकलेट जारी तक कर दिया करती थी, जब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, ईडी और सीबीआई उनका दरवाजा भूल गई। ये तो जग जाहिर है, ये तो सार्वजनिक है, तो हमें लगता है ये कोई नई बात नहीं है। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, लड़े हैं, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।